डॉक्टर साहब एक चीज कनेक्ट, चूंकि पत्रकार छी तो पत्रकार के शकी स्वभाव के हेबाक चाहिए और तखने से वास्तविक चीज निकल के अबैत हो कि जखन हम छूट के बात करें तो खास कर अगर हम कपड़ा ले जाए अहाँ खरीद ले जाए दाम के दुगुना कह दल जाए ते पर छूट दल जाए एहन तरह को हिडन एजेंडा या फिर एहन तरह को एजेंडा के थ्रू काज केना या पेशेंट के आउटकम है तक बढ़ाबे के लिए एहन तरह को चीज दाम बता दें। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज 15,000 रुपया है, सीजेरियन का 25,000 रुपया। 15,000 रुपया में चाहे दवा हो और जो खर्चा है सब कुछ उसमें कंप्लीट होता है, खाली छुट्टी की दवा मरीज लेके जाते हैं। वैसे ही 25,000 रुपया में ऑपरेशन से लेकर करके जो भर्ती रहते हैं उसके ऑपरेशन के बाद की दवा, ऑपरेशन के दौरान का सारा खर्चा उस 25,000 रुपया में होता है। वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहना चाहिए नॉर्मल मरीज के छे, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि किसी को एक्लेम्शिया नहीं हो, प्री एक्लेम्शिया नहीं हो, पीपीएच नहीं हो, या दौरे लेकर के मरीज सीधे आईसीयू में भर्ती नहीं हो, उन मरीज को छोड़ करके जो ये चार्जेस है। आप कभी भी मेरे रिसेप्शन पे फोन करें या मेरे को फोन करें, चाहे आप बिल भी देख लें, ये चार्ज वही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 25,000 को 35,000 कर देंगे फिर डिस्काउंट कर देंगे, या 50,000 करेंगे फिर वही 25,000 लेंगे, नहीं। हम डिस्काउंट का मतलब ऑथेंटिक डिस्काउंट। अगर उसी वक्त एक बेटा किसी को हुआ होगा, बेटी हुई होगी, तो आप दोनों के बिल में जो है ना डिफरेंस आप देख पाएंगे। जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा, अपने लोगों के स्वागत कर रहा छी मिथिला मिरर में। जना कि पिछला किछु दिन पूर्व जे छै से एकटा रिपोर्ट हमरा सब बनेने रही, ओहि रिपोर्ट में कहने रही कि लैंगिक जे असमानता छै, अर्थात जे मेल और फीमेल के जे रेशियो छै, ओहिमे बिहार में अगर मधुबनी जिला के बात करी तो ओहि जिला के स्थिति बहुत खराब भेल जा रहल छै। हालांकि ओहिमे सिर्फ मधुबनी नहि, दरभंगा, मुजफ्फरपुर इत्यादि इत्यादि तमाम तरहक जिला अबैत छै, लेकिन मधुबनी के जे स्थिति छै ओ बहुत चिंताजनक छै। जे पर हमरा सब तत्कालीन जे सिविल सर्जन छलाह डॉक्टर सुनील कुमार झा, हुनको से जे छै से हमरा सब बातचीत केने रही, हुनकर बातचीत सुनेने रही। और एखन रामशिला हॉस्पिटल में हमरा सब छी और एहि हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर फैजुल जी हमरा संगे छथि और हिनका से जे छै से एकटा बेहतरीन कॉज के लेल जे छै से बात करै लए एलहुँ हैं। अई जे हॉस्पिटल छे रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल, अइमे ई सब निर्णय लेलन हैं जे कोनो जे प्रसव होइत छै, चाहे ओ सीजेरियन होइ या नॉर्मल डिलीवरी होइ छै, ओहिमे अगर बेटी के जन्म होइत छै तऽ जतेक इलाज में खर्च छै ताहिमे 50% जे छै से ई सब छूट करबाक जे छै से निर्णय एहि दुआरे लेलन हैं जे बेटी के गर्भपात जे छै से नहि कराएल जाए, भ्रूण हत्या नहि कयल जाए, और जे लैंगिक असमानता छै तकरा मेंटेन कयल जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला। जी नमस्कार। ई एकटा बेहतरीन कही जे एकटा बहुत नॉवेल कॉज पर अहाँ सब काज शुरू कयलहुँ, तऽ कतऽ से ई बात मन में एलै जे बेटी अगर जन्म लेतै तऽ ओकर फी आधा कऽ देल जेतै, कारण बेटी मारल जा रहल छै, एतेक अवेयरनेस भेला के बावजूदो जे छै से बेटी मारल जा रहल छै। ये ख्याल तो मतलब लगातार आ रहल छै, मगर 2 महीना पहले एक डिलीवरी होल छै अपने का, वो सीजेरियन से होल छै, तो ओकरा के बेटी होल छै, पहला ही बेटी छै। जैसे वो गार्जियन सुने तो उन्होंने ये एक बैग सुन करके वो बेहोश होकर गिर गए। तो ये जैसे मैंने सुना कि वो गार्जियन बेटी होने के बाद बेहोश हो गए, तो मेरा बड़ा दिल जो है ना चुभ हुआ, बहुत मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आया कि ऐसा क्यों, क्या बेटी के सुन जाने से उनके क्या पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि वो बेहोश होकर गिर रहा है, पूरी फैमिली रो रही है। तो उस दिन से मैंने एक चीज़ ठाना कि कुछ ऐसा करूँगा कि लोग बेटी होने के बाद ये ना सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ 3 बहनें हैं और उनके पास मेरे जो ससुर जी, उनके कोई बेटा नहीं है, मगर तीनों दामाद जो है उनके बहुत अच्छे हैं और तीनों बेटियाँ डॉक्टर हैं। तो और तीनों जो बेटियां हैं उनके दामादों ने किसी ने 1 रुपया भी दहेज के नाम पे नहीं लिया। इसका शर्त यह था कि गार्जियंस ने अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छी तालीम दी, सबको डॉक्टर बना दिया, तो दामाद भी सब डॉक्टर आए, उन्होंने कोई 1 रुपया दहेज नहीं लिया। तो यही सुन करके कि लोगों के जो है एक मन में जो जाती है कि फीमेल हो जाने से कि दहेज देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसके खर्च बढ़ जाते हैं, तो उसी को सोचते हुए हमने ये डिसीज़न लिया कि 50% जो भी फीमेल का प्रसव होगा यहाँ पे, उसकी डिलीवरी में फीमेल बेबी होगा, चाहे वो नॉर्मल से हो या सीजेरियन से हो, उसमें हम 50% डिस्काउंट करेंगे।
डॉक्टर साहब एक चीज कनेक्ट, चूंकि पत्रकार छी तो पत्रकार के शकी स्वभाव के हेबाक चाही और तखने से वास्तविक चीज निकल के अबैत छै। होय की छै जखन हमरा सब छूट के बात करैत छियै तऽ खास कऽ अगर हम कपड़ा लेले जाइ छी या अहाँ खरीद ले जाइ छी ओकर दाम के दुगुना कऽ देल जाइ छै ताहि पर छूट दऽ देल जाइ छै, एहन तरहक कोनो हिडन एजेंडा या फिर एहन तरहक कोनो एजेंडा के थ्रू काज केनाइ या जे पेशेंट के आउटकम छै तकरा बढ़ाबै के लेल एहन तरहक कोनो चीज? हम दाम बता दै छै, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज 15,000 रुपया है, सीजेरियन का 25,000 रुपया। 15,000 रुपया में चाहे दवा हो और जो खर्चा है सब कुछ उसमें कंप्लीट होता है, खाली छुट्टी की दवा मरीज लेके जाते हैं। वैसे ही 25,000 रुपया में ऑपरेशन से लेकर करके जो भर्ती रहते हैं उसके ऑपरेशन के बाद की दवा, ऑपरेशन के दौरान का सारा खर्चा उस 25,000 रुपया में होता है। वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल मरीज के छे, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि किसी को एक्लेम्शिया नहीं हो, प्री एक्लेम्शिया नहीं हो, पीपीएच नहीं हो, या दौरे लेकर के मरीज सीधे आईसीयू में भर्ती नहीं हो, उन मरीज को छोड़ करके जो ये चार्जेस है। आप कभी भी मेरे रिसेप्शन पे फोन करें या मेरे को फोन करें, चाहे आप बिल भी देख लें, ये चार्ज वही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 25,000 को 35,000 कर देंगे फिर डिस्काउंट कर देंगे, या 50,000 करेंगे फिर वही 25,000 लेंगे, नहीं। हम डिस्काउंट का मतलब ऑथेंटिक डिस्काउंट। अगर उसी वक्त एक बेटा किसी को हुआ होगा, बेटी हुई होगी, तो आप दोनों के बिल में जो है ना डिफरेंस आप देख पाएंगे। अच्छा, एक चीज हमरा और जनबाक जे छै से मन भऽ रहल अछि, मानि लिअ नॉर्मल डिलीवरी में कते काल अहाँ सब हॉस्पिटल में रखै छियै, सीजेरियन में कते काल के बाद छुट्टी दै छियै, इहो कने क्लियर भऽ जाय। डिलीवरी पे जो रूल है कि डिलीवरी के बाद मिनिमम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रहना होता है, और सीजेरियन क्योंकि हम लोग खुद सर्जन है, कहीं और से तो कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, हम लोग खुद लुकआउट कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल को, तो हम लोग 3 डेज रखते हैं पोस्ट ऑप, मतलब ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक रहते हैं कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये चीज़ है, 3 दिन तक का जो भी खर्चा या रूम चार्जेस होता है सब उसी 25,000 में इंक्लूडेड है। वैसे 15,000 में चाहे रूम भाड़ा जाए, जो दवा भी लगी उसी में इंक्लूडेड है। ये चीज़ है। अच्छा, एकटा चीज एकटा भ्रांति छै हॉस्पिटल के लऽ कऽ, खास कऽ प्राइवेट हॉस्पिटल के लऽ कऽ, कि अगर प्रेगनेंसी के समय में डिलीवरी के लेल केओ गोटा आबै छथिन तऽ जबरदस्ती जे छै से इंजेक्शन दऽ कऽ या फिर एहन तरहक चीज दऽ कऽ बच्चा के साइलेंट कयल जाइ छै और फोर्स कयल जाइ छै जे अहाँ सब सीजेरियन डिलीवरी दिस जाइ, तऽ एहि पर सेहो कनिक अग्रति जे छै से अहाँ बताबियौ। आज एक दिल की बात बता देते हैं, बड़े हॉस्पिटल के मामले में लोगों को यही लगता है कि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा खर्च होता है। नॉर्मली क्या होता है बड़े हॉस्पिटल के साथ, जब मरीज 4-5 जगह से रिजेक्ट होकर के आता है, अब वो उम्मीद करता है कि मरीज जो रिजेक्ट होकर के आया वो सीधे उसकी नॉर्मल डिलीवरी करा दे, समझे बात को। ये चीज़ें नहीं, जब लगातार मरीज उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहता है तो उसके 99% चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। नॉर्मली क्या हो रहा है कि आज गांव घर में लोग ट्रायल दाई से या छोटे नर्सिंग होम या किसी और से करा करा करके लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो उसमें जो है यहाँ के कोई भी, वो भी डॉक्टर ही है, ऐसा तो नहीं है, तो एक लिमिटेशन उसमें आ जाता है। कोई ऐसी दवा नहीं होती है कि उसको दे करके उसको सीजेरियन करा दिया जाए, ये चीज़ें हैं। हाँ, दवा दी जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बात समझ रहे बात को, ये चीज़ है। दरअसल छै कि जखन कोनो मेडल हमरा सब कोनो विभिन्न खेल में या फिर मिथिला के अगर बात करी एखन तऽ बेटी प्रधान जगह छै, जाहिमे सनातन के परिचायिका सीता से लऽ कऽ आओर एखुनका वर्तमान में जे छै से फाइटर जेट उड़ाबै वाली भावना कंठ तक, तऽ एक से एक बेटी विभिन्न कोनो एहन क्षेत्र नहि छै जे क्षेत्र में ओ सोना के मेडल लऽ कऽ नहि अबैत छथि, आओर जहन पोडियम पर ठाढ़ भऽ कऽ बेटी के गर्दन में ओ मेडल लटकैत रहै छै तऽ बेटा के मेडल से हमरा लगैया जे बेसी उत्साह, ओहिसँ बेसी सुकून जे छै से बेटी दैत छै। आओर बहुत सुन्दर बात कहलनि हँ जे हमरा ससुर के 3 टा बेटिए छनि, 3 बेटी के पढ़ा लिखा कऽ ओहि लायक बनेलथि आओर 1 टका दहेज नहि लगलनि हँ, तऽ ई एकटा बहुत बड़का बात छै। तब आवश्यकता छै जे समय के संगे अपना आप के बदलबाक, जे एकटा स्टेरियोटाइप जे चीज के हमरा सब एखन तक निर्वाह करैत रहलहुँ हँ, जकरा पारम्परिक या देखियौ पारम्परिक ठीक छै लेकिन रूढ़िवादी जे किछु चीज के हमरा सब एखन तक कन्हा पर लऽ कऽ चलैत रहलहुँ हँ, तऽ ताहिसँ कनेक अपना आपके जे छै से परिष्कृत करबाक, ओहिसँ फराक जे छै से अनबाक आवश्यकता छै। अच्छा डॉक्टर साहब, अन्तिम सवाल, जे ई जे डिलीवरी हेतै ओहिमे कोनो एहन तरहक तऽ बात नहि ने छै जे दोसर बेटी हेतै या पहिल बेटी हेतै तहि पर लागू हेतै? कोनो बेटी पहला हो दूसरा हो तीसरा हो कोई लिमिटेशन नहि छै, ठीक छै। ई एकटा बहुत बड़का जे छै से हमरा बहुत सुन्दर लागल ई विचार, हर हॉस्पिटल के जे छै हर संस्थान के अपन किछु ने किछु एकटा चलबाक जे छै से रणनीति होइ छै, ओहि रणनीति के तहत जे छै ओ सब आगाँ बढ़ै छथि, लेकिन ई जे एकटा रणनीति हमरा लागल है अगला, हमरा लगैए जे एहिसँ किछु मैसिव चेंजेस होतै आओर जिलामे जे लैंगिक असमानता छै, जे भेद बढ़ल जा रहल छै बेटा आओर बेटीमे, जे गर्भपात भऽ रहल छै, जे भ्रूण हत्या भऽ रहल छै, तकरा हमरा लगैए जे
रोकल जा सके। डॉक्टर साहब नोबेल कॉज के लिए अहाँ बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैडम जो है MBBS MS गायनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर करके आई हैं, उनका नाम डॉक्टर इफ़ा जमा है। तो आप 24/7 हम लोग यहीं सक्री में रह करके ही रहते हैं, हम कहीं जल्दी इधर उधर जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे जो भी डिलीवरी होती है वो मैडम के देख रेख में होती है, इंक्लूडिंग जो भी अल्ट्रासाउंड में ऐसी ज़रूरत लगती है कि मैडम की ज़रूरत है तो मैडम उसको अल्ट्रासाउंड में भी लुकआउट करती है। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक बहुत नीक संवाद है। उम्मीद करै छी जे चीज़ के अपने से प्रशंसा करबे और चार्ज बता दिलत है, दिन बता दिलत है। और एक चीज़ और कह रहा छी, हिनका बिहाफ में या अपना बिहाफ में, अगर अहाँ के पेशेंट अगर नॉर्मल है, अगर अहाँ के जे रोगी छथि ओ डिलीवरी के लिए आबै छथि, कोनो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होइ छनि, तो तखन जो इससे बेसी चार्ज लेत तो तखनो अहाँ सब कॉल कर सकै छी। ठीक है, जरूर कॉल कर करके हमारा नंबर भी आप दे देंगे, कॉल हमें भी बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे, जहाँ भी एकदम जरूर शिकायत जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत नीक इनिशिएटिव छै और उम्मीद करै छी जे ई इनिशिएटिव के जे छै ई जे एकटा प्रकल्प लेल गेलै तकरा जे छै से अपने सब देखब और एकर फायदा उठायब। बेटा और बेटी दूटा संतान छै, जतबा संतान जी जी जी, अगर बच्चे डिलीवरी होने के बाद अगर वो बच्ची जो है प्रॉब्लम में भी है, वो नीकू में भी एडमिशन हुआ, तो उस एडमिशन में भी हम 50% डिस्काउंट देंगे। मतलब सिर्फ डिलीवरी में ही नहीं, मान के चलिए कोई बच्चा कभी नहीं रोता है, क्राई कम करता है, या मीकोनियम स्टेंड है मतलब लैटिन पी लेता है जिसको कहते हैं, और उसको एक या दो दिन या तीन दिन भर्ती रहना पड़ा, तो उसके जो खर्च होंगे उसमें भी हम 50% डिस्काउंट देंगे। ये चीज़ है, तो ये एक बहुत बढ़िया जो है एक डेग और आगा कहलत है, खासकर अगर कोनो पोस्ट डिलीवरी जो है अगर कोनो कॉम्प्लिकेशंस अगर बच्चा में हो, बहुत रास एहन बच्चा है जो कनई नहीं है, ओकरा अलग तरह से जो है तो हाँ वजन कम है, तो ओकरा अपना सबके भाषा में कहे जो शीशा वाला अथी में राखल जात छै घर में, तो ओहि के जे खर्चा छै तकरो 50% जे छै से कहलन हमरा सब छूट करब। बहुत सुंदर जे छै से हिनका सबके इनिशिएटिव छन, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करै छी जे अहाँ सब एहि फायदा के जे छै से बिल्कुल प्रचारित करबै, प्रसारित करबै, क्याकि एकटा बहुत सुंदर ई कॉज छै। और बाजूक अंकमे मैं फिर बैसित रहब डॉक्टर साहब संगे और हुनका से समय समय पर जे छै से अलग अलग बातचीत होते रहिए, कखनो डॉक्टर इफ़त से, कखनो डॉक्टर फैजुल से, और जे और लोग सब छै तिनका सब से समय दर समय सीजनेबल जे कोनो डिजीज छै ते पर से हमरा से बातचीत करब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।